राजस्थान में लगातार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी आम आदमी पार्टी में हलचल बढ़ी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं चार बार के पार्षद उम्रदराज जी, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ करके आम आदमी पार्टी की झाड़ू थाम ली है, और जिस सीट से आप दावेदारी कर रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस ने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आदर्श नगर विधानसभा सीट ऐसी है जहां भाजपा भी प्रत्याशी घोषित करने में सोच रही है, समझ रही है। आपने ताड़ ठोकने का एक तरह से मन भी बना लिया है, क्या समझा जाए इसको? बिल्कुल, चुनाव लड़ेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी नीतियों की लड़ाई लड़ेंगे, ये कोई विशेष व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। जब आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ये सोचकर वोट दिया था कि विकास के लिए वोट दिया था, अधर्मी के लिए नहीं दिया था, उनकी दादागिरी के लिए नहीं दिया था, मगर उन्होंने विकास कहाँ किया ये समझ में नहीं आया। जनता हताश है उनके काम से। जब 5 साल तक उस विधायक महोदय ने कोई काम नहीं किया तो जाहिर है हम पार्षद रह के इतने काम करते हैं, पिछले 4 बार से मैं पार्षद हूँ, अगर जनता बार बार जिताती है और बार बार मोहब्बत से वोट देती है तो उसी आदमी को देती है जो जनता का कोई काम करता है। अगर हमने काम किया है तो हम 4 बार पार्षद बने, अगर उन्होंने कोई विकास किया होगा तो दोबारा विधायक बन जाएंगे। ट्यूनिंग आपकी कांग्रेस से ख़राब हुई कि रफीक खान से जम नहीं रही है इसलिए आपने पार्टी छोड़ा या आप इधर रुक करके? देखिए, कांग्रेस ने भी हमारा दर्द नहीं समझा। जो चीज़ हम आगाह करा रहे हैं उनसे बार बार लिखित में दे रहे हैं, बार बार मीडिया के जरिए दे रहे हैं उनको, बराबर 2 साल से हम उनको कह रहे हैं, मगर हमारे MLA का एटीट्यूड ऐसा था कि वो बाहुबली बनना चाहते हैं, राजस्थान के अंदर वो UP बिहार वाली नेतागिरी करना चाहते हैं, दादागिरी करना चाहते हैं, तो जनता उनके अर्धधर्मी के अंदर पिसने के लिए नहीं है, जनता विकास के लिए वोट देती है, और जनता का अगर आप विकास नहीं करोगे जनता घर बिठा देती है। आदर्श नगर में कुछ काम नहीं हो पाया कांग्रेस के विधायक के द्वारा, आपका ऐसा कहना है? बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। मैं जिन जगहों के नाम बता दूं, जिन वोटों के आधार पर वो जीते थे, उनमें ईदगाह है, आमगढ़ कच्ची बस्ती है, नागतलाई है, आज़ाद नगर है, MT रोड है, सीमा होटल के आसपास का एरिया है, और इमरतपुरी है, और ख़ास तौर से जहाँ 60-65 हज़ार वोट एक जगह है, चौकड़ी तोपखाना उधूरी, ये ऐसी जगह है जहाँ आप जगह देखिए सड़कें खुदी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं। जब आप विकास नहीं करोगे तो फिर किस बात के ऊपर आप वोट मांगने जाओगे? इस बात का जवाब जनता देगी, और इस बार आईना दिखा देगी जनता। जनता भली बात ही जानती है कि जो विकास के काम करेगा, जो जनता के काम आएगा, वोट जनता उसको देती है। आम आदमी पार्टी क्यों आपने ज्वाइन की, क्या लगा कि वहाँ टिकट मिल जाएगा, वहाँ से दावेदारी कर पाएंगे, या आपके मन में आया नहीं आम आदमी पार्टी आपके लिए बहुत मजबूत स्थिति बन पाएगी वहाँ पर? देखिए, आम आदमी पार्टी की नीतियाँ मुझे अच्छी लगी, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अच्छा है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली आता जाता रहता हूँ, मेरा खुद का मकान भी दिल्ली में, मैंने दिल्ली में देखा है एक आम आदमी को कितनी सुविधाएँ आम आदमी पार्टी ने दे रखी हैं, नल फ्री, बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, जब इतनी चीज़ें जनता को जो मूलभूत सुविधा यही चीज़ें, सड़कें देखें आप बढ़िया बनी हुई हैं, नालियाँ देखें बढ़िया, ऐसी पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी जो कहती है मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा है वो किया है, और ईमानदारी की पार्टी है, कोई जाति धर्म की बात नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी का एक ही कहना, सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत, और विकास हिंदुस्तान की नहीं चाहिए, तो हिंदुस्तान में अगर विकास करना है तो आम आदमी पार्टी को जिताना। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि गारंटी इतनी दे दी है कि जनता खुश है, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में जो आप आम आदमी पार्टी की सरकार को देख रहे हैं उससे ज़्यादा प्रभावित है, कैसे समझा जाए इसको? गारंटी देना अलग चीज़ है, गारंटी दे दी वो कब होगी, और जो मौजूदा प्रैक्टिकल में चल रहा है आप उसको देखो ना, केजरीवाल जी गारंटी थोड़ी दे रहे हैं, केजरीवाल जी तो कर रहे हैं प्रैक्टिकल के अंदर, और जो कर रहे हैं वो सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का बड़ा विकेट उम्रदराज के रूप में गिरा है जो आम आदमी पार्टी के खाते में जा चुका है। मैच बड़ा कांटे का होगा, आदर्श नगर, हवा महल, किशन पोल तीनों विधानसभा सीटों पर इस बार ऐसे कई सही सारे समीकरण बन रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर चुनौती बढ़ी हुई है, और वहाँ पर भाजपा अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, इसकी वजह बड़ी यही है कि वहाँ पर लगातार इधर से उधर लोग जा रहे हैं। ABP लाइव, संतोष पांडे, जयपुर।